ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है कंकाली तल्ला शक्तिपीठ, जो बीरभूम जिले में स्थित है। यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, भाषा क्या होंगी यहाँ की, पूजा कैसे करें एवं आसपास के दर्शनीय स्थल क्या हैं तथा समय कितने लगेंगे एवं क्या खर्चा आएगा, आइए इन सब की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। यहाँ प्रभु जी आप साल भर जा सकते हैं, परंतु उपयुक्त समय की बात करें तो यह अक्टूबर से मार्च का होता है। यहाँ पर दुर्गा पूजा, काली पूजा तथा चैत्र संक्रांति बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त यहाँ श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं। प्रभु जी आप यहाँ पे तीनों मार्ग से आ सकते हैं। यदि आप बाय एयर आते हैं तो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट कोलकाता दमदम एयरपोर्ट है। यहाँ से कंकाली तल्ला की दूरी 165 किलोमीटर की है, जिसे आप टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो भारतवर्ष के किसी भी कोने से आप हावड़ा या सियालदह आ जाइए। यह कोलकाता का मेजर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप बोलपुर के लिए ट्रेन ले लीजिए। यह आपको 2.5 घंटे का लगभग समय लेगा और किराया पैसेंजर का 70 रुपये होता है। प्रभु जी इसकी दूरी 150 किलोमीटर है। आप यहाँ से कंकाली तल्ला सिर्फ 9 किलोमीटर रह जाता है, जिसे आप बस एवं ऑटो के द्वारा 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। प्रभु जी अगर सड़क मार्ग की बात करें तो यह कोलकाता के धर्मोतल्ला, बर्धमान, बीरभूम जैसे बड़े शहरों से कंकाली तल्ला आसानी से जुड़ा हुआ है। कहाँ ठहरें, यह ग्रामीण क्षेत्र है प्रभु जी, इसलिए ठहरने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं होता, परंतु आपको मंदिर के पुजारी का एवं वहाँ मंदिर के समिति का फ़ोन नंबर उपलब्ध करा देते हैं। आप उनसे फ़ोन करके अपने ठहरने का एवं बाकी की जानकारी का भी पता कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 8759230573। प्रभु जी अब खाना क्या खाएं, यहाँ बंगाली लोकल फूड बहुतायत में मिलता है। आप फास्ट फूड भी खा सकते हैं तथा दोपहर के समय यहाँ माता को प्रतिदिन भोग लगाया जाता है, आप उस भोग को भी खा सकते हैं। उसके लिए 50 रुपये का पर्ची कटवाना होगा, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक का है पर्ची कटाने का प्रभु जी, और भोग आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में खा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप पर्ची नहीं कटवा पाए हैं, आप आने में लेट हो गए, तो कोई बात नहीं, आप भोग में भोजन के लिए बैठ जाइए, आप वहाँ कैश भी दे सकते हैं। यदि इन सब के अलावा आप अच्छी एकोमोडेशन चाहते हैं तो आपको हमारी सलाह है कि आप हावड़ा में ही रुके। यहाँ आपको अपने पसंद की सभी बजट में होटल, रेस्टोरेंट और सभी चीज मिल जाता है। प्रभु जी भाषा की बात करें तो यहाँ बांग्ला एवं हिंदी आसानी से बोला जाता है। आइए दर्शन पूर्व मंदिर की महात्मा समझ लेते हैं। कंकाली तल्ला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर उपखंड में स्थित है। प्रभु जी इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। यहाँ देवी सती की कमर अस्थि गिरा था, जिसे बंगाल में कंखार कहा जाता है, और इसी प्रकार मंदिर कंकाली तल्ला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ एक सरोवर है, ऐसा माना जाता है कि माता सती का अस्थि इसी तालाब के नीचे है। पूर्व में इस तालाब की पूजा होती थी, बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। सरोवर के जल को पवित्र माना जाता है, इसमें प्रवेश वर्जित है। इस सरोवर का जल कभी सूखता भी नहीं है। प्रभु जी इस शक्तिपीठ में माता की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक फोटो लगी है, उसी की पूजा होती है। मूल शक्तिपीठ पवित्र सरोवर को ही माना जाता है। हर दिन दोपहर में माता
जी को दाल चावल सब्जी पुलाव इत्यादि का भोग लगाया जाता है। यहां पर लोग शिक्षा स्वास्थ्य धन तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। बात वास्तुकला की करें तो मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सामान्य तथा पिरामिड नुमा है। यहां सती को देवगर्भा तथा भैरव बाबा को रूड़ू के रूप में पूजे जाते हैं। बात दर्शन की करें तो यह दर्शन सुबह 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक कर सकते हैं। स्नान आप होटल या गेस्ट हाउस में कर लीजिए, प्रसाद आप बाहर से ले लीजिए, बहुत सारे दुकान हैं। बैग और फोन यहाँ अलाउड है प्रभु जी। जूता प्रांगण में उतारिए और आप दर्शन के लिए चले जाइए। यहाँ दर्शन एवं परिसर में घूमने के लिए 2 से 3 घंटे का समय उपयुक्त रहेगा प्रभु जी। यहाँ माता फोटो में काली के समान दिखाई देती है, आप दर्शन कीजिए तथा नीचे एक पिंड है, कहा जाता है कि यही 108 नरमुंड दबा हुआ है। दर्शन मुख्य रूप से सरोवर में ही किया जाता है, जहां माता का अस्थि सरोवर में है। आप भी मंदिर के एवं सरोवर के दर्शन कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए तथा अपने एवं अपनों के लिए मनोकामना अवश्य मांगे प्रभु जी। परिसर में एक शुभ पेड़ है, इस पेड़ में लोग अपनी मनोकामना लाल धागे से बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बगल में एक छोटा शिव मंदिर है, आप उनका भी दर्शन कीजिए। भैरव बाबा यहां शिवलिंग के रूप में विराजमान है, आप उनका भी दर्शन कर आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कीजिए। 16वीं शताब्दी से पूर्व यहां स्वयंभू शिवलिंग काफी बड़ा था प्रभु जी, परंतु काला पहाड़ नामक आक्रांता ने उसे नष्ट कर दिया। अब शिवलिंग फर्स्ट लेवल से नीचे हो गया है। आप परिसर में भोग बनते हुए भी देख सकते हैं। परिसर काफी साफ सुथरा तथा हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है, आप यहां कुछ वक्त भी बिता सकते हैं। यहां आना धार्मिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से लाभप्रद होता है प्रभु जी, आप इसका एहसास खुद भी आकर कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी कंकाली तल्ला शक्तिपीठ की यात्रा संपन्न होती है प्रभु जी। आप चाहे तो घर को रवाना हो सकते हैं या नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप नेक्स्ट डे का प्लानिंग करते हैं तो सबसे बेहतरीन जगह है शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यह सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा है अमर कुटीर, यह सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर है फुलारा देवी शक्तिपीठ, सिर्फ 20 किलोमीटर के दूरी पर है प्रभु जी। ये इसके साथ एक और शक्तिपीठ हो जाएगा आपको। फिर है तारापीठ, यह सिर्फ 60 किलोमीटर के दूरी पर है। एवं नल हटेश्वरी शक्तिपीठ, यह सिर्फ 75 किलोमीटर के दूरी पर है। नल हटेश्वरी शक्तिपीठ की वीडियो हमने पहले ही डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं प्रभु जी। अब इस वीडियो की मुख्य बात है, इस यात्रा में कितना समय लगा? तो कंकाली तल्ला शक्तिपीठ घूमने के लिए सिर्फ तो आपको 1 दिन का समय पर्याप्त है, तथा एक सामान्य यात्री को 1,000 रुपये का खर्चा आएगा प्रभु जी। इस प्रकार आपको हमारी दी हुई जानकारी यदि पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, तथा सीवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी।